हेलो दोस्तों, सेवन स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस मेरी लाइफ की पहली ऐसी सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक है जिसे मैंने आज से लगभग 10 साल पहले एक पटरी पर पुरानी किताबों में से खरीदा था सिर्फ 5 रुपये में। एक छोटी सी हैंडबुक जिसमें हार्डली 90 पेजेस होंगे जो 1-2 घंटे में ख़त्म हो जाए, मगर मुझे इसकी गहराई का पता ना था कि ये बुक आज तक काम आती रहेगी और उसके मेथड्स आज भी मैं यूज़ करता रहूँगा जो कि मेरे ख्याल से टाइमलेस एंड यूनिवर्सल है। तो फिर शुरू करते हैं। हम इस बुक के मेथड को अच्छी तरह से जानने की कोशिश करेंगे। इस बुक के ऑथर दीपक चोपड़ा है जिन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है और वो एक इंडियन अमेरिकन ऑथर है। उनकी बुक्स के नाम है जैसे क्वांटम हीलिंग, रिटर्न ऑफ द ऋषि, एजलेस बॉडी एंड टाइमलेस माइंड, द बुक ऑफ सीक्रेट्स, री इन्वेंटिंग द बॉडी एंड री इन्वेंटिंग द सोल। ये एक इंटरनेशनली रिनोन्ड स्पिरिचुअल गुरु माने जाते हैं जिन्होंने काफ़ी सारी बुक्स के साथ साथ काफ़ी सारी मेडिकल थेरेपी के अंदर भी अपना हाथ आजमाया है। दीपक चोपड़ा ने अपनी इस बुक में 7 ऐसे नियम बताए जिन्हें अपनाकर आप खुश रह सकते हैं और सफल हो सकते हैं। तो पहला नियम है द लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी। यह नियम कहता है प्योर पोटेंशियलिटी एक ऐसी फील्ड है जो असीम संभावनाएं और अनंत क्रिएटिविटी से भरी है, और ये कुछ नहीं बल्कि आपका अपना सेल्फ है और अपने आप को जानना ही ट्रू सेल्फ पावर है। और ये तब होता है जब हम नेचर के साथ अलाइन होते हैं। ऐसा करने से हम अपने ड्रीम को फुलफिल कर सकते हैं। सो हाउ कैन यू एक्सपीरियंस द लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी, इसके लिए दीपक 3 मेथड्स के बारे में बताते हैं। पहला तो ये कि आपको रोज समय निकालना है साइलेंट होने के लिए, और साइलेंट होकर अपनी स्पिरिट के साथ कनेक्ट करें। बी साइलेंट एंड कनेक्ट विद योर स्पिरिट। नॉन जजमेंट दूसरा मेथड है। नॉन जजमेंट को प्रैक्टिस करना है। ये कैसे करना है, इसके लिए आपको रोज ये स्टेटमेंट बोलना है, टुडे आई शैल जज नथिंग डेट अकर्स। पूरा दिन जब भी टाइम मिले अपने आप को रिमाइंड करते रहना है। दोस्तों, नॉन जजमेंट को प्रैक्टिस करने का मतलब होता है आप किसी भी चीज़ को राइट और रॉन्ग या गुड और बैड नहीं कहोगे, जो जैसा है वो बस वैसा है। तीसरा, ट्यून विद नेचर। ये मेथड मुझे सबसे प्यारा है और इसे मैं हमेशा प्रैक्टिस करता हूँ। इसमें यह है कि आपको नेचर में जो होता है उसको साइलेंटली ऑब्जर्व करना है, जैसे सनराइज और सनसेट को वॉच कर सकते हो, फूलों की खुशबू सूंघ सकते हो, गिलहरियों को खेलते हुए देख सकते हो। नेचर बहुत कुछ देगा, बस लेने वाले बनो। 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस का सेकेंड लॉ, विच इज लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग, मतलब देने और लेने का नियम। ये नियम देने और लेने का सेंस सिर्फ मटेरियल एक्सचेंज के बारे में नहीं बताता, बल्कि मटेरियल एक्सचेंज के साथ साथ जो हमारे मेरिट्स होते हैं जैसे हैप्पीनेस, काम, पीस, लव, अफेक्शन, एप्रिसिएशन, उनको भी बांटना और शेयर करना सिखाता है। ये नियम कहता है इस यूनिवर्स में हर चीज़ एक डायनामिक एक्सचेंज के थ्रू ऑपरेट करती है, क्योंकि प्रदान करना और प्राप्त करना एक तरह का फ्लो ऑफ एनर्जी है इस यूनिवर्स का और इस ब्रह्मांड का। बड़ा सिंपल है, अगर आप लव चाहते हो तो लव देना सीखो। अगर आप चाहते हो लोग आपको अप्रिशिएट करें, अटेंशन दें और इम्पोर्टेंस दें, तो ये सब देना भी आपको सीखना चाहिए। अगर आप मटेरियल अफ्लुएंस चाहते हो तो किसी की मदद करो मटेरियल अफ्लुएंट होने के लिए। अगर आप ब्लेसिंग चाहते हो तो ब्लेस करना सीखो, और वो भी साइलेंटली। ये नियम कहता है द मोर यू गिव द मोर यू रिसीव, जितना दोगे उससे कहीं ज़्यादा मिलेगा। तो इसको एक्सपीरियंस या अनुभव करने के 3 तरीके हैं। पहला है, जो कोई तुम्हारे संपर्क में आए उसे गिफ्ट दो। किस तरह का गिफ्ट दे सकते हो? दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि वो कोई पैसे से ही खरीदा जा सकता हो, वो गिफ्ट कोई कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। एक फ्लावर दे सकते हो, किसी के लिए प्रेयर कर सकते हो, या फिर अपने तन और मन से किसी की हेल्प भी कर सकते हो। इससे आपकी लाइफ में जॉय और एफ्लुएंस आना शुरू हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि जो भी लाइफ आपको देती है उसके लिए ग्रेटफुल रहो और हमेशा रिसीव करने के लिए ओपन रहो, चाहे कॉम्प्लीमेंट हो, चाहे कोई पैसों से खरीदा गिफ्ट, या फिर क्रिटिसिज्म या आलोचना ही क्यों ना हो, हमेशा ओपन रहे। आखिरी तरीका दीपक चोपड़ा ये बताते हैं कि सबके लिए साइलेंट विश करो कि उसकी लाइफ में खुशी, जॉय और लाफ्टर आए। इस तरह से आप अपनी खुशी की बढ़ोतरी करते रहोगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारे कर्म उस जाले की धागों की तरह है जो हम अपने ही चारों ओर फेंकते हैं। वैसे तो लॉ ऑफ कर्मा बहुत गहरा टॉपिक है जिसको समझना बहुत आसान भी है और मुश्किल भी। दीपक चोपड़ा अपनी बुक में इसको कैसे डिफाइन करते हैं और कौन कौन से तरीके बताते हैं इसको एक्सपीरियंस करने के। आपने एक अंग्रेजी की कहावत सुनी होगी, व्हाट गोज अराउंड डेट कम्स अराउंड। आपने बूमरैंग देखा होगा और फेंका भी होगा। उसको जितना तेज़ी के साथ हम फेंकते हैं अपने से दूर, वो उतनी तेज़ी से मुड़कर हमारी तरफ आता है। बस यही है लॉ ऑफ कर्मा। अगर आम के बीज बोएंगे तो आम मिलेंगे, और अगर नीम के तो कड़वे नीम। बहुत सिंपल है। आज से 5000 साल पहले भी ये काम करता था और आज भी ये काम करता है और करता रहेगा।
इसका सीधा मतलब होता है कॉन्शियसली अपनी चॉइस को लेना। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारी ज्यादातर चॉइसेस अनकॉन्शियस होती है, मतलब होशपूर्ण नहीं लेते हम अपनी चॉइसेस को। इसलिए जब भी आप लाइफ में किसी भी एस्पेक्ट को लेकर कोई चॉइस ले तो अपने आप से ये दो क्वेश्चन करना, पहला ये चॉइस जो मैं लेने जा रहा हूँ उसके परिणाम क्या होंगे, और दूसरा जो ये चॉइस मैं ले रहा हूँ क्या ये मेरे लिए और मेरे आसपास के लोगों के लिए खुशी लाएगी। आप लॉ ऑफ कर्मा को यूज़ करके मनी क्रिएट कर सकते हो, मगर उसके लिए आपको अपनी चॉइस या निर्णय के लिए सतर्क होना पड़ेगा। जितना अपनी चॉइस के प्रति सतर्क होंगे उतना आपकी चॉइस स्पॉन्टेनियसली करेक्ट होगी, मतलब ऑटोमेटिकली आपकी चॉइस करेक्ट ही होगी, आपके लिए और आपके आसपास के लोगों के लिए वो चॉइस बहुत करेक्ट साबित होगी। सो हाउ टू एक्सपीरियंस लॉ ऑफ कर्मा इन आर लाइफ इन ए राइट डायरेक्शन, तो इसके लिए भी तीन तरीके ऑथर ने बताए जिसे अपनाकर आप लॉ ऑफ कर्मा अनुभव कर सकते हैं। पहला, अपनी चॉइस के साक्षी बने, इसके लिए प्रेजेंट मोमेंट में फुली कॉन्शियस रहे। दूसरा, जब भी चॉइस ले रहे हो तो दो क्वेश्चन अपने से करो जो मैंने ऊपर कहा था। तीसरा, अपने दिल से पूछे, अगर चॉइस आपको कंफर्ट फील करवाती है तो गो अहेड, मगर आप डिसकंफर्ट फील करते हो सो डोंट मेक दैट चॉइस। द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट कहता है नेचर में जो भी चीजें ऑपरेट करती है उसका बाहरी प्रकटीकरण एफर्टलेस होता है, और वो एफर्टलेस इसलिए होता है क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस होता है। जैसे घास कभी कोशिश नहीं करती उगने के लिए, वो बस उग जाती है। इसी तरह एक फिश कभी तैरने के लिए ट्राई नहीं करती, बस वो तैरती है। सूरज का नेचर होता है शाइन करना, इसीलिए ये नियम कहता है प्रकृति में जो भी चीज़ फंक्शन करती है वो एफर्टलेस ईज केयरफ्रीनेस और हारमनी और लव के साथ करती है। जो हमें जादू लगता है प्रकृति के छोटी मोटी चीज़ों का, वो एक्चुअली लीस्ट एफर्ट नियम का एक बस अभिव्यक्ति होती है, एक एक्सप्रेशन होता है। ये लीस्ट एफर्ट एक्सपेंड कर सकता है जब हमारा मोटिवेशन लव हो, प्रेम हो हर चीज़ के प्रति। उसमें ब्रेकडाउन आ जाता है जब हम लोगों को कंट्रोल करने के लिए पावर सीख करते हैं और पर्सनल गेन के लिए मनी सीख करते हैं, तो हम फ्लो ऑफ एनर्जी को कट ऑफ कर देते हैं। अगर हमारा मोटिवेशन लव है तो हमारी एनर्जी मल्टीप्लाई होती है, और जो सरप्लस एनर्जी हम गैदर करते हैं उसको हम अपनी डिज़ायर के लिए चैनलाइज कर सकते हैं, जिससे हमें जॉय हैप्पीनेस अबंडेंस मिलता है। इसलिए आपको ज़रूरत है तो एक्सेप्टेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिफेंसलेस का सेंस लाने की, जिससे आपकी लाइफ एफर्टलेस ईज के साथ फ्लो करती है। लाइक वाटर फ्लोज विद एफर्टलेसनेस स्टिल, उसमें इतनी शक्ति होती है कि चट्टान को भी काटकर अपना रास्ता बना लेता है। सो हाउ टू एक्सपीरियंस दिस एफर्टलेस ईज, इसको भी अनुभव करने के लिए ऑथर ने तीन तरीके बताए। तो आइए जानते हैं वो क्या है तीन तरीके। पहला, इस मोमेंट में जो लोग परिस्थितियां और घटनाएं हैं उन्हें एक्सेप्ट करें। जब भी कोई चुनौती फेस करो तो अपने आप को याद दिलाओ कि ये पल है जैसा इसे होना चाहिए, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड ऐसा है जैसा वो है। हमारे कुछ कहने और करने से उसमें कोई बदलाव नहीं आता। दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेवारियां एक्सेप्ट करो बिना किसी को ब्लेम किए हुए। तीसरा या आखिरी, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को डिफेंड करना छोड़ दो, क्योंकि डिफेंसलेसनेस में आपको हर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ओपन रहते हो और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को साबित करने के लिए व्याकुल नहीं होते। आप यूनिडाइमेंशनल से मल्टी डायमेंशनल बन सकते हो, मतलब एकांगी से बहुयामी, जो हर तरीके से सोचता है। मंशा और इच्छा का नियम बताता है कि जब हम प्योर पोटेंशियलिटी के फर्टाइल ग्राउंड पर अपनी मंशा इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम उस फील्ड को एक्टिवेट कर देते हैं जहां इन्फेनाइट पावर है, जो फिर हमारे लिए काम करती है। ये मिरेकल नहीं, ये एक मैनिफेस्टेशन है प्रकृति का। आपने सुना होगा कई बार कि नीयत अच्छी हो तो काम भी हो जाते हैं। पंजाबी में भी एक कहावत है, नीता नाल मुराद, मतलब नीयत अच्छी हो तो मुराद भी पूरी होती है। एनर्जी और इन्फॉर्मेशन वहाँ एग्जिस्ट करती है जहाँ हमारी चेतना शुद्ध हो। जहाँ चेतना शुद्ध होगी वहाँ नीयत भी शुद्ध होगी। और हमें कोई भी कार्य करने के लिए ये दो चीज़ ही तो चाहिए, एनर्जी एंड इन्फॉर्मेशन। दो चीज़ों से हमारे अंदर चेंज आता है, अटेंशन एंड इंटेंशन। अटेंशन हमें एनर्जाइज करती है और इंटेंशन हमें रूपांतरण करती है, एक ट्रांसफॉर्मेशन। इंटेंशन ही वो असली ताकत है जो हमारी डिज़ायर क्रिएट करती है, एंड यू नो दैट डिज़ायर क्रिएट्स एनर्जी। यही है जो तुम्हें 5 बजे उठा देगी और 100 पुशअप लगवा देगी, ये डिज़ायर, मगर आउटकम के अटैचमेंट से फ्री होनी चाहिए। दोस्तों, ये डिज़ायर, इंटेंशन, अटेंशन आपस में इंटरलिंक्ड है और कई बार ओवरलैप करती है, इसलिए हमारे एक्शन प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस्ड होने चाहिए। इसके लिए प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, जिससे जो इमेजिनरी ऑब्स्टेकल्स है या बाधाएं हैं वो अपने आप डिसअपीयर हो जाते हैं। आपने महसूस किया होगा हमारी एनर्जी सबसे ज़्यादा फ्यूचर में रोल करती है, जिससे हमारी एनर्जी ज़्यादा एग्जॉस्ट होती है।
अगर वो सारी एनर्जी प्रेजेंट मोमेंट में आ जाए, हमारी वर्क एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। दूरदर्शन पर एक सीरियल आया करता था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, जिसमें मुंगेरी लाल कभी अपने काम पर फोकस नहीं कर पाता था, जिससे उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो पावर ऑफ इंटेंशन को हार्नेस कैसे करें जिससे हमारे ड्रीम्स और डिजायर फुलफिल हो, तो इसके लिए भी तीन उपाय हैं। पहला उपाय है, जब भी आप रात को सोए और सुबह उठे तो आप अपनी इंटेंशन और डिजायर को कंटेम्पलेट करें, या फिर अपनी इंटेंशन और डिजायर की लिस्ट बना लें और उन्हें देखें और उन्हें हमेशा रिपीट करें। नंबर टू, अपनी डिजायर को अपनी शुद्ध चेतना पर छोड़ दें। नंबर थ्री, अपने हर एक्शन में प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस प्रैक्टिस करें। सेवन स्पिरिचुअल लॉ का छठा नियम है द लॉ ऑफ डिटैचमेंट, मतलब निराशक्ति का नियम। नियम बहुत सिंपल है, ये कहता है किसी भी चीज़ को पाने का तरीका होता है अपनी अटैचमेंट को छोड़ देना। किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचोगे तो वो आपसे दूर जाएगी, और अगर उस पर एक्शन लोगे तो वो आपके पास आएगी। अटैचमेंट किसी चीज़ को अपने से चिपकाने और उसको खोने के डर से आता है, तो अटैचमेंट छोड़ देना बेहतर है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम कोई प्लानिंग ना करें, अपनी डिज़ायर को गिव अप कर दें, ये ऐसा नहीं है। हमें गिव अप करना चाहिए अटैचमेंट को जो आउटकम के साथ जुड़ी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसा करूँगा तो वैसा हो जाएगा, हम ख्यालों में किसी भी कार्य के निष्कर्ष पर पहुँच जाते हैं, बल्कि होना ये चाहिए कि प्रोसेस के ऊपर फोकस करना। आपने एक बार पॉजिटिव रिजल्ट को विजुलाइज कर लिया, डेट्स इनफ, अब तो बस उसकी प्रक्रिया पर ध्यान देना है जो उस आउटकम को अचीव करने में हेल्प करेगा। डिटैचमेंट का प्रिंसिपल ये सिखाता है कि फ्लो के साथ जाओ। ये आता है हमारी अंदरूनी जानकारी से, जो ये बताती है कि हम हायर इंटेलिजेंस के बिहेवियर के पैटर्न हैं। जबकि अटैचमेंट इसलिए होता है क्योंकि हमें डाउट और डिस्ट्रस्ट होता है हायर इंटेलिजेंस पर। अटैचमेंट ईगो का मेलोड्रामा है, क्योंकि ये कायम होता है डर और असुरक्षा की भावना में। ये तभी आता है जब हम अपने अंदर सेल्फ की पावर को रियलाइज नहीं करते। दोस्तों, अटैचमेंट से डिटैचमेंट की यात्रा इतनी आसान नहीं है। बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े तपस्वी, योगी फेल हो जाते हैं एक ऐसे मोड़ पर जब किसी न किसी चीज़ को लेकर अटैचमेंट रह जाता है। इसीलिए ये यात्रा ओवरनाइट पूरी नहीं हो सकती, इसके लिए तो हर रोज़ अपने कदम बढ़ाने पड़ते हैं। हाँ, जितना जितना आगे बढ़ते जाते हैं तो दूरी उतनी ही कम होती जाती है। तो फिर हम लॉ ऑफ डिटैचमेंट को कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में? नंबर वन, डिटैच रहने की प्रैक्टिस करना। अलर्ट रहना हर अवसर और समस्या पर, यह जानते हुए कि चीज़ें जैसी है वैसी है, ना कि तुम चाहते हो वैसी हो। जो भी अनसर्टेनिटी है उसे एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट वॉट एवर कम्स इन योर वे एंड गोज आउट ऑफ योर वे। नंबर थ्री, हमेशा सभी पॉसिबिलिटीज़ के लिए ओपन रहना और अपनी लाइफ जर्नी के सारे फन, मिस्ट्री और मैजिक को इन्जॉय करना। दोस्तों, फेल होकर जो रुक गया तो सचमुच फेल हो गया, फेल होकर जो चल दिया तो समझो मंजिल को पा गया। आखिरी चैप्टर में दीपक चोपड़ा कहते हैं, हम सबका कोई ना कोई पर्पस होता है और इस पर्पस को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास यूनिक टैलेंट होता है। जैसा आपने देखा होगा, आज YouTube के प्लेटफॉर्म से लोग अपने यूनिक टैलेंट को एक्सप्रेस करके अपना पर्पस सर्व कर रहे हैं, साथ में दे आर डूइंग सर्विस टू अदर्स। जब हम अपने यूनिक टैलेंट और लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं तो हम खुशी व आनंद अनुभव करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में यही है सेवंथ लॉ ऑफ सक्सेस, मतलब लॉ ऑफ धर्म और पर्पस इन लाइफ। पहला, अपने आप को डिस्कवर करो। दूसरा, हम में से हर एक व्यक्ति यूनिक टैलेंट को प्रोसेस करता है और हमारा जन्म इसलिए हुआ है सो दैट उसे एक्सप्रेस कर पाए। और तीसरा, वी आर हेयर टू सर्व आर फेलो ह्यूमन बीइंग्स विद आर यूनिक टैलेंट। अपने टैलेंट के साथ दूसरों को भी फायदा पहुंचाना आसान है। अगर मैं खुश हूं तो मेरा धर्म यही है कि हाउ कैन आई बी द रीजन ऑफ अदर्स हैप्पीनेस, हाउ कैन आई हेल्प। सो हाउ टू एक्सपीरियंस दिस? तो पहला तो यह है कि सीक योर हायर सेल्फ थ्रू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, आध्यात्मिक अभ्यास से अपने ट्रू सेल्फ को खोजो। दूसरा, अपने यूनिक टैलेंट की लिस्ट बनाओ, उन सब की लिस्ट बनाओ जिसे तुम करना पसंद करते हो। फ्रेंड्स, यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि जरूरी नहीं आपकी कोई जॉब आपका यूनिक टैलेंट हो। आप जॉब कोई और कर रहे हो मगर शायद आपका टैलेंट कुछ और हो, तो उस टैलेंट को वेस्ट मत जाने दो, उसे और नर्चर करो, और फिर उसे टैलेंट से लोगों की मदद करना ही पर्पस ऑफ लाइफ है, इन अ वेरी सिंपल मैनर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रोज़ अपने आप से पूछो, हाउ कैन आई हेल्प, हाउ कैन आई सर्व अदर्स। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, मैनिफेस्ट द डिविनिटी विद इन यू एंड एवरीथिंग विल बी हार्मोनियसली अरेंज्ड अराउंड इट। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर सच काइंड ऑफ वीडियोज। आई एम सो हैप्पी एंड ग्लेड फॉर योर टाइम एंड योर इंटरेस्ट इन दिस वीडियो। सो बी हैप्पी एंड बी इंस्पायर्ड। थैंक यू सो मच।